Okay, so let's start with today's class. I've already uploaded the questions of DFA. Anyone who has already seen those questions, solve them. Did anyone solve those questions? Okay, so what module we are studying these days? Who will tell me? What did we study in the last class? Or exactly what topic? Anyone? Online students? No one knows what we are studying these days, huh? Udit will tell me what we have studied in the last class. Muskan. Okay, anybody else? Hello. Yes, ma'am. So, what have we studied in the last class? मैम ऑटोमाटा थ्योरी में वो स्ट्रिंग्स का कर रहे थे लाइक वो What kind of automata? कौन से automata machines डिस्कस की थी लास्ट क्लास में? मैम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हाँ, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा और मैम रेगुलर. डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक गुड. तो हमने लास्ट क्लास में नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिस्कस किया था और फाइनाइट स्टेट मशीन और या फिर डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा इज़ वन एंड द सेम थिंग. वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू फ्यू क्वेश्चंस. आप लोगों को इस पे क्वेश्चंस और भी सर्च करने हैं, खुद से करने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस इस तरह के होंगे एग्जाम में. लैंग्वेज विल बी गिवन टू यू. यू नीड टू ड्रॉ NFA, यू नीड टू ड्रॉ DFA और FSM. ओके, एंड आइदर NFA और DFA इज गिवन टू यू एंड यू विल बी आस्क वॉट लैंग्वेज दिस FSM इज एक्सेप्टेड. ओके, वॉट लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाई दिस मशीन गिवन टू यू इन द फिगर. ओके, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द एग्जाम. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी वॉट्स द डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA. Yes, tell me, what's the difference between NFA and DFA? मैम इन NFA देर इजेंट अ फाइनल स्टेट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर फाइनल स्टेट टू एग्जिस्ट नॉन फाइनल स्टेट्स टू एग्जिस्ट सॉरी It's not necessary to हैव नॉन फाइनल स्टेट्स So that is the case with the DFA as well. Actually, it's not the proper definition. It's not the right definition. What else? Because non-final state can exist in both and cannot exist in both. मतलब मैम उनका इन एन एफ ए उनको मल्टीपल पाथ्स आर पॉसिबल फॉर अ एज और अ स्टेट गुड, दिस इज ट्रू फॉर अ सिंबल, फॉर अ अल्फाबेट. ठीक है, फॉर अ सिंगल अल्फाबेट ऑन अ स्टेट मल्टीपल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल. ठीक है, मल्टीपल ट्रांजिशंस
multiple transitions. For example, if you are on the state, you can go from A on the alphabet A to multiple states. ठीक है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट ट्रू इन DFA. सो यू हैव ओनली अ सिंगल ट्रांजिशन फॉर एवरी अल्फाबेट. ठीक है, सेकेंड सेकेंड पॉइंट. उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया ये. सो मैम, ही एनएफए सेड में जरूरी नहीं होता कि मतलब हर का बात हो। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो सेकेंड पॉइंट. तो NFM में ज़रूरी नहीं होता, अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी था तो ज़रूरी नहीं है, किसी एक पे भी जा सकते हैं, किसी एक अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं. DFA में क्या होगा, ए का भी बनाना पड़ेगा और बी का भी बनाना पड़ेगा. इसमें सिंगल रहेगा और इसमें क्या रहेगा, सारे रहेंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया है कि DFA में नल ट्रांजिशंस होते हैं, NFA में नहीं होते. ये सही है, हम उल्टा है शायद, ऑपोजिट एनएफएल है. में होते हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आपका ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और नल भी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज नल, तो NFA में रहेंगे और इसमें नल नहीं रहेंगे. नल पे कहीं भी ट्रांजिशन नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी. ठीक है, यही तीन डिफरेंस है NFA और DFA में. क्लियर है सबको? गुड. आज हम देखेंगे कि NFAs और DFAs जो होते हैं इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी इक्वल होती है. लर्निंग कैपेबिलिटी क्या होता है? किसी एक लैंग्वेज के लिए अगर हम NFA बनाएं और उसी लैंग्वेज के लिए हम DFA भी बना सकते हैं, तो जितनी भी लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय कोई एक मशीन अगर हमने बनाई है, तो हम उसका कोई एक हमारे पास लैंग्वेज है तो उसका हम कॉरस्पॉन्डिंग NFA भी बना सकते हैं और DFA भी बना सकते हैं. तो NFA, एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड टू DFA एंड एवरी DFA कैन बी कन्वर्टेड टू NFA. तो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर एक्सेप्टेड बाय NFA एंड DFA आर इक्वल. ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर अदर लैंग्वेजेस. जैसे कि मैंने Day 1 पे बताया था, रेगुलर लैंग्वेज होती है, कंटेक्स्ट फ्री होती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव होती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज जैसे 0*1*, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जैसे 0^n, 1^n, दैट इज कंटेक्स्ट फ्री, दैट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है, तो उसके लिए जो हम बनाते हैं या फिर और भी मशीन्स होती हैं, लाइक PDA होती है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, पुश डाउन ऑटोमेटा भी होती है, वो डिफरेंट मशीन्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करती हैं. उसमें जो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक. यस. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. स्टिल आई हैव नॉट मूव द स्लाइड्स, आई एम ऑन फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ. ओके, अभी ठीक है. तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस या फिर और तरह की जो भी लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए जो ऑटोमेटा बनता है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दो तरह के ऑटोमेटा होंगे, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करते हैं. बट रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बनते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज इक्वल टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. आपके सिलेबस में बस रेगुलर लैंग्वेजेस ही है, इसीलिए रेगुलर में NFA और DFA इक्वल हैं. नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय NFA इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय DFA. दैट मीन्स एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड टू DFA एंड एवरी DFA कैन बी कन्वर्टेड टू NFA. ठीक है, अब लेट्स सी. सो मशीन M1 इज इक्वल टू मशीन M2, सो दैट मीन्स लैंग्वेज एक्सेप्टेड. अगर मैंने दो मशीन्स ड्रॉ की हैं, सो मशीन M1 वॉज हैविंग 3 स्टेट्स एंड मशीन M2 वॉज हैविंग 10 स्टेट्स. ओके, सो अगर दोनों मशीन्स इक्वल हैं, हम उसे इक्वल कब बोलेंगे, जब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट मशीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय सेकेंड मशीन. और अगर कोई लैंग्वेज 0*1* एक्सेप्ट कर रही है या कोई लैंग्वेज और भी एक्सेप्ट कर रही है,
तो उसके लिए हम मल्टीपल तरह तरह की मशीन्स बना सकते हैं, ठीक है। एक मशीन में 20 स्टेट्स हो सकते हैं, एक में 10 स्टेट्स हो सकते हैं, एक में 5 स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। हम उसके लिए मल्टीपल मशीन्स बना सकते हैं सेम लैंग्वेज के लिए, लेकिन हम अगर कह रहे हैं कि सेम लैंग्वेज है, तो अगर मशीन M1 इज इक्वल टू M2, तो उन दोनों की लैंग्वेज इक्वल होगी, है ना, ठीक है। हमारा काम क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में हम उस मशीन को ड्रॉ कर पाए, है ना। लेट्स सी, अब देखो ये जो है 1 0 पोल स्टार, पहले तो ये देखना है कि ये रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है, क्योंकि 1 0 1 0 1 0, अगर n टाइम्स होता, n या इस तरह का कुछ मेमोरी होता, तो वो रेगुलर नहीं होती। अभी यहाँ पे रेगुलर है। अब इसका NFA भी ड्रॉ किया है और इसका DFA भी ड्रॉ किया है। अब आप बोलोगे NFA तो ड्रॉ किया है, ये कैसे पता चल रहा है NFA, ये कैसे पता चल रहा है, इसमें क्या चीज़ है जिससे पता चल रहा है NFA? डू नॉट में टू पार्ट्स नहीं है सबके। एग्जैक्टली क्यू नॉट में 0 का ट्रांजिशन नहीं है, है ना, और Q1 में 1 का ट्रांजिशन नहीं है, मिसिंग है ना। सो दिस इज NFA। इसमें देखो दिस इज DFA, यहाँ पे 1 का भी है, 0 का भी है, 1 का है, 0 का है, हर एक स्टेट पे, और 1 का है, 0 का है। सो दिस इज DFA। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस एंड दिस आर इक्वल, दोनों में क्या कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है? 1 0 स्टार, सो सॉरी, सो 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 स्टार। और इसमें देखो सबसे पहले नल एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें भी नल एक्सेप्ट हो रहा था क्योंकि इनिशियल स्टेट वाज फाइनल स्टेट, नल हो रहा है। देन 1 0, देन 1 1, सॉरी 1 0 एंड 1 0, ठीक है, देन 1 0, मल्टीपल टाइम्स 1 0 हो रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में ही 0 आ जाए तो इट विल गो टू नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है, क्लियर है ये? सो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट मशीन M1 एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय सेकेंड मशीन M2 इज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी NFA कैन बी कन्वर्टेड टू DFA, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ NFA टू DFA, ओके। सो लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय NFAs आर इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DFA एंड दीज हैव सेम कंप्यूटेशन पार, ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, हाउ टू कन्वर्ट दिस NFA टू DFA। वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 इज इनिशियल स्टेट्स। अब यू हैव टू टेल मी, कैन NFA हैव मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स? मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती है NFA में? आपको बताना है होंगी कि नहीं। यस मैम। अगर होंगी तो हम स्टार्ट कौन सी स्टेट से करेंगे? अगर ये वाली भी इनिशियल स्टेट थी और ये वाली भी इनिशियल स्टेट थी, तो जब हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराएंगे तो हम कौन सी स्टेट से स्टार्ट करेंगे बताओ? और इस तरह का कुछ था, आप कह रहे हो कि हो सकती है, मैं वो वाला केस बता रही हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकती है, कौन कह रहा है कि नहीं हो सकती है मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स? कोई कह रहा है कि नहीं हो सकती है NFA में? DFA में तो हो ही नहीं सकती, DFA में तो एक ही इनिशियल स्टेट होगी, NFA में बताओ होगी कि नहीं होगी? तो अभी आपने ये बोला है कि हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट, अगर ABC स्ट्रिंग आ गया इसमें, तो मैं कौन सी वाली इनिशियल स्टेट को सिलेक्ट करूं, कैसे डिसाइड करेंगे? जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी उससे। बाकी स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं, मैम ओके। तो सबका ये कहना है कि एक सिंगल इनिशियल स्टेट मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, हाँ। एक्चुअली दिस आंसर इज पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली रॉन्ग, क्योंकि इनिशियल स्टेट एक ही होगी। वो मल्टीपल ट्रांजिशंस ऐसे होते हैं कि वो जो दोनों ट्रांजिशंस होते हैं वो नल होते हैं एक्चुअली में। इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही होगी। देखो अगर ये इनिशियल स्टेट है और ये भी इनिशियल स्टेट है, दैट इज बी और सी। बी और सी स्टेट्स अगर इनिशियल स्टेट्स हैं, तो मैं एक इनिशियल स्टेट पहले भी बना सकती हूँ, एक इनिशियल स्टेट पहले बना सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि वो नल पे बी पे गया और नल पे सी पे गया, राइट। तो उन्हें मर्ज किया जा सकता है ना।
तो एक्चुअली में अगर मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं तो हम एक फर्स्ट इनिशियल स्टेट बना के बोल सकते हैं कि वो सारी इनिशियल स्टेट्स पे नल ट्रांजिशन पे जा रहा है एनएफए, ठीक है। पर डीएफए में हम ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। इसलिए डीएफए में हमेशा सिंगल इनिशियल स्टेट होगी और एनएफए में भी जो मल्टीपल है वो एक्चुअली सिंगल ही है ना, ठीक है। तो ये है, अब हमारे पास ये था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी इनिशियल स्टेट्स हमारी हो उन सबको फर्स्ट लिख लेंगे एज ए इनिशियल स्टेट इन द डीएफए। अगर हमारी क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, फोर इनिशियल स्टेट्स होती सबको हम यहाँ पे लिखते क्यू नॉट क्यू कॉमा क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल स्टेट ऑफ अ डीएफए, ठीक है। हम कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशियल स्टेट। सेकेंड स्टेप पे अब हमारे पास जितनी भी स्टेट्स आई हैं डीएफए में, अगर केवल एक ही स्टेट होती तो हम उसका ट्रांजिशंस निकालते हैं ना। तो हम पहले ऊपर देखेंगे एनएफए में कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, कौन कौन से हैं, सिग्मा क्या है, दो अल्फाबेट्स हैं ए और बी। तो अब हम क्यू नॉट से ए पे भी बना लेंगे और क्यू नॉट से बी पे भी बना लेंगे। अब वो ए और बी कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट जितनी भी थी उन सब में वो सब मिला के कहाँ जा रही थी, ठीक है, उस सब का मर्ज, ठीक। तो इनिशियल स्टेट यहाँ पे ए पे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है बताओ, क्यू वन पे जा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू वन। बी पे कहाँ पे जा रही है, बी पे कहीं भी नहीं जा रही। जब कहीं नहीं जा रही होती तो हम क्या बनाते हैं, नॉन फाइनल स्टेट। तो एक हम नॉन फाइनल स्टेट, तो हम एक नॉन फाइनल स्टेट बना देंगे, ठीक है। तो ए पे तो ये जा रही है क्यू वन पे, अच्छा ए पे ये क्यू टू पे भी जा रही है देखो, क्योंकि ए कॉमा नल है तो हमें सारी लिखनी पड़ेंगी क्यू वन और क्यू टू, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्टेट वन है, ये स्टेट टू है, स्टेट टू इज अ मर्ज मर्ज पार्ट ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू। तो स्टेप टू में हमने क्या किया, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास, जैसे अभी हमारे पास केवल एक इनिशियल स्टेट थी तो उससे हम सारे ट्रांजिशन निकालेंगे, ठीक है। तो ए निकाल लिया, बी का भी निकालेंगे। तो बी पे कहाँ जा रहा है, एक्चुअली क्यू नॉट बी पे कहीं नहीं जा रहा है ना। तो हमने एक नॉन फाइनल स्टेट बना दी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दो नई स्टेट्स आई हैं, एक तो ये फाइव स्टेट आई है और एक क्यू वन क्यू टू आई है। अब इन दोनों के भी ट्रांजिशन निकालेंगे। अब क्यू वन क्यू टू के ट्रांजिशन निकालने के लिए क्यू वन जहाँ जहाँ पे ए से जा रहा है और क्यू टू जहाँ जहाँ पे ए से जा रहा है उन सब का मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो क्यू वन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है और क्यू टू पे भी जा रहा है, क्यू वन है ना, देखो ए और नल, तो क्यू टू पे भी जा रहा है, क्यू वन पे भी जा रहा है। और क्यू टू अब कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ए पे, कहीं भी नहीं सही जा रहा है ना। तो क्यू वन और क्यू टू का मर्ज इस ए पे, ये फाइनली कहाँ जा रहा है, ए पे खुद पे ही है ना, ठीक है। ये क्लियर है ये वाला ट्रांजिशन सबको, Q2 साथ में क्यों आया, मैंने ये Q1 Q2 साथ में ऐसा कर दिया जब Q1 एक फाइनल स्टेट और Q2 नॉन फाइनल है तो। हाँ। तो वो भी अभी आगे देखेंगे, फाइनल और नॉन फाइनल तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, ओके ठीक है। अभी पहले हम सारे ट्रांजिशन बना रहे हैं। फर्स्ट स्टेप वाज इनिशियल स्टेट, सेकंड स्टेप सारे ट्रांजिशंस, ठीक है। थर्ड स्टेप इज फाइनल स्टेट, ठीक। तो हमने इसको मर्ज किया है और ये ए यहाँ तक क्लियर है। अब बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू वन और क्यू टू मिलके बी पे कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन देखो यहाँ से यहाँ तक क्यू नॉट पे जा रहा है और क्यू टू भी वी पे क्यू नॉट पे जा रहा है ना। तो बी पे ये जो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो ए पे ये खुद पे ही चला गया और बी पे ये क्यू नॉट पे आ गया। ये वाला ट्रांजिशन समझ आ गया सबको, बी वाला, यस ओके। अब ये जो नल वाला जो है यहाँ पे, अब ये ए और बी पे कहाँ जाएगा, इसका भी हमें बनाना पड़ेगा। ये डेड स्टेट है तो ये खुद पे ही जाएगा, ठीक है। ये बन गया, कंप्लीट हो गया ये। अब इसमें क्या रह गया, फाइनल स्टेट्स रह गए हैं ना।
फाइनल स्टेट्स अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, जितनी भी फाइनल स्टेट्स हमारे एनएफए में होंगी, अगर Q1 और Q2, Q1 और Q0 दोनों फाइनल होती, और जहाँ जहाँ पे भी Q0 मर्ज हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी Q1 मर्ज होके नई स्टेट बनी है, सब फाइनल हो जाती, ठीक है? तो अभी हमारी फाइनल स्टेट होगी ये Q1 Q2, ठीक है? इसमें क्या किया, बस इसे फाइनल बनाया क्योंकि Q1 आ रहा था, ठीक है? तो अब जो फाइनल स्टेट है वो Q1 Q2 है, ना कि Q1, ठीक है? अब देख लो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय, व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस, इसकी लैंग्वेज क्या है और इसकी लैंग्वेज क्या है, दोनों की बताओ क्या है, फर्स्ट की बताओ क्या है, ए ए ए, नो ए स्टार ए स्टार, रॉन्ग, ए स्टार बी ए स्टार, मतलब ए स्टार हाँ बी ए स्टार है। नो, इसकी लैंग्वेज बताओ फर्स्ट वाले की, ए स्टार ए ए स्टार, दिस इज पार्शियली करेक्ट, नॉट कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि ये ए ए बी ए को भी तो एक्सेप्ट कर रहा है, ए ए बी मैम, ए को, ए स्टार बी ए स्टार गलत है। सॉरी, ए स्टार बी ए स्टार ए स्टार बी ए स्टार, बताओ क्यों गलत है, कौन बताएगा, क्योंकि इसमें बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए स्टार बी ए स्टार में बी भी तो एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ से हमने नल उठा लिया, यहाँ से बी, यहाँ से नल, तो बी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन इस मशीन में तो बी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मैम। मैम Q2 से फिर हम B से फिर Q0 पे आ जाएंगे ना, फिर वापस A A कितने भी बार आ सकता है फाइनल स्टेट पे जाने के लिए। मैम ए स्टार क्यों ओके, ए ए स्टार बी, आप लोग कह रहे हो कि ए ए स्टार बी, ए ए स्टार बी, ये भी नहीं है, क्यों? ए स्टार बी ए स्टार ए ए स्टार बी ए स्टार, नाउ फिर से बी आ सकता है, बी तो फिर आ सकता है, कितनी बार लिखोगे ए स्टार, अब बी तो इसके बाद भी आ सकता है, ए बी मैम, ए बी, ए स्टार बी होल स्टार। एग्जैक्टली, ए ए स्टार देन बी देन होल स्टार, अब इसके बाद ए भी आएगा, ए स्टार बी ए होल स्टार, दिस इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस, क्लियर है सबको ये? अब नीचे वाले में देख लो, यही सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं कि नहीं, देखो ए ए स्टार बी एंड देन ए एंड देन ए स्टार, है ना, मल्टीपल टाइम्स ही, तो इसमें भी हो रही है, तो एनएफए और डीएफए की लैंग्वेज क्या है, सेम है, क्लियर है सबको ये? मैम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए ए स्टार बी ए स्टार। हाँ एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग, ए ए मैम स्टार लिख दो यहाँ पे, वैसे हाँ सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। सिर्फ ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, गुड, तो यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा, है ना, ए प्लस, गुड, तो ये करेक्ट नहीं है, ए प्लस, अब क्या आएगा, ए स्टार बी ए या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाहर, ए तो आना ही चाहिए, है ना, ए स्टार बी, ये भी करेक्ट है, ए स्टार बी होल यस स्टार, है ना, मैम। ये भी करेक्ट है, ए ए स्टार बी होल स्टार,
ठीक है। ये करेक्ट इसलिए नहीं है, ए स्टार इसमें क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी बी एक्सेप्ट हो जाएगा हाँ तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो अब क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पे ए तो आना ही चाहिए है ना। मैम, ए ऐसे बाहर लिखने का क्या मतलब हुआ? ए बाहर लिखने का मतलब है कि ए तो आएगा ही आएगा, ए डॉट है एक्चुअली वो, जैसे ए ए भी लिखते हैं हम तो ए हाँ वो डॉट, ए डॉट है। तो हम जो होल स्टार है वो ए स्टार बी ए के होल स्टार है, टोटल पूरा उसका स्टार है। हाँ ए स्टार बी ए का होल स्टार है, ए स्टार बी ए का होल स्टार है। हाँ हाँ ये ठीक है। अब ये ठीक है ना, ए ए स्टार बी ए का होल स्टार अब करेक्ट है, जो आई थिंक कि अब करेक्ट है, क्योंकि ए आके कितने भी स्टार आ जाए है ना, और फिर उसके बाद बी ए आके कितने भी ए स्टार आ जाए, एक्चुअली में तो यही है ना, तो बी ए आके कितने भी ए स्टार आ जाए। ओके ये अभी भी करेक्ट नहीं है मैम बाहर, मैम ए डॉट बाहर भी लगा रहे हैं, फिर अंदर भी होल में डॉट ए कर दे रहे हैं। ए डॉट, क्या कह रहे हो आप, ए डॉट मैम अगर ब्रैकेट में ए आ रहा है लास्ट में तो बाहर भी लगाना नेसेसरी है? बाहर लगाना यहाँ पे नेसेसरी इसलिए है, ये वाला ए लगाना पूछ रहे हो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्रिंग तो ए लेगा ही लेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर नल उठा लिया, इसमें से अगर नल उठा लिया तो फर्स्ट स्ट्रिंग बी आ जाएगी है ना। यस मैम। हाँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अब ये भी रॉन्ग है, करेक्ट बताओ अब, ए ए स्टार देन बी ए एंड देन इस पूरे का होल स्टार और ए स्टार, ये करेक्ट है, अब करेक्ट मैम जो पहले लिखा था वो कौन से केस में गलत हो रहा है? है। ए बी 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 ए और बी ए, अगर इसमें हम ट्रिपल ए एक्सेप्ट कराना हो तो ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा है ना, ट्रिपल ए ट्रिपल ए बी ए और ट्रिपल ए ऐसा एक्सेप्ट कराना हो तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं क्या चाह रही हूँ कि पहले ट्रिपल ए इससे आता रहे, फिर बी ए आए, फिर ट्रिपल ए आए, तो इसमें ट्रिपल ए आने का स्कोप नहीं है, बी के बाद ट्रिपल ए आने का स्कोप नहीं है, समझ गए है ना। अब इसमें आ जाएगा, ये वाली स्ट्रिंग इज करेक्ट, ये सही है, ए ए स्टार बी ए का होल स्टार एंड देन ए स्टार यहाँ पे, अब ये ठीक है ना। मैम अगर अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया फिर तो पेपर में तो आएगा ही ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए यू आदर नीड टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है, प्रैक्टिस करना है खूब, ठीक है। ये नीचे वाली स्ट्रिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही किसी को, चलो अब ये एनएफए कन्वर्ट हो गया डीएफए में, ठीक है। सो वी आर गिवन एन एनएफए, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डीएफए, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले इनिशियल स्टेट्स देखी और पॉसिबल जो इनिशियल स्टेट्स थी उसको चेंज किया, स्टेप वन। स्टेप टू पे सारे ट्रांजिशंस निकाले, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो जा रहा था सेम अल्फाबेट पे उनको मर्ज किया, अगर ए पे दो जगह जा रहा था तो उनको मर्ज किया, ठीक है। और थर्ड स्टेप इज फाइनल स्टेट, जो भी एनएफए में जो भी फाइनल थी उन सबको डीएफए में फाइनल बना दिया, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल हो गया, ठीक। सिंगल स्टेट, सिंगल फाइनल स्टेट, अच्छा ये बताओ फाइनल स्टेट सिंगल हो सकती है एनएफए में या नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, हो सकती है, आप नल पे अगर सारी फाइनल स्टेट्स को मर्ज करना चाहो तो नल पे ले जाके उन्हें मर्ज कर सकते हो, है ना, सेम कॉन्सेप्ट है इनिशियल स्टेट वाला। तो जैसे कि ये दो फाइनल थी तो इन दोनों से हमने एक नल ट्रांजिशंस बना दिया, एक ये वाला नल और एक ये वाला नल,
ठीक है, तो ये दोनों फाइनल थी, इनसे हमने नल बनाया तो नल पे पहुंच गए. दिस इज ऑल्सो सिंगल फाइनल स्टेट. इसी तरह यहाँ पे अगर सिंगल इनिशियल स्टेट बनानी है तो हम एनएफए में सब चीजें कर सकते हैं. जब हम एनएफए में कर लेंगे उसके बाद फिर हम इसको डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डीएफए में सिंगल फाइनल स्टेट बन जाएगी, सिंगल नहीं बनेगी, उसमें मल्टीपल बनेंगी क्योंकि हम ये वाली स्टेट किसी और के साथ मर्ज हो गई है ना. तो डीएफए में कुछ नहीं कह सकते आप, फाइनल सिंगल फाइनल स्टेट नहीं कह सकते, है ना. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके अलावा आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करो और अभी कन्वर्ट करना है आपको. NFA to DFA. सिंपल क्वेश्चन है, चीटिंग नहीं करनी है, ऑनलाइन क्वेश्चन है. ठीक है, ये NFA दिया हुआ है, इसको DFA में कन्वर्ट करके मुझे बताना है क्या आ रहा है. वाई दिस इज एन एफ ए, एन एफ ए क्यों है ये? मुझे इसमें नल ट्रांजिशन तो नहीं दिख रही है. ना वो Q1 पे मल्टीपल पाथ था, Q1 पे मल्टीपल पाथ्स हैं फॉर अल्फाबेट जीरो 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 जीरो. ठीक है, गुड. तो अब इसे कन्वर्ट करो डी एफ ए में जल्दी से और बताओ कितने स्टेट्स आ रहे हैं. स्टेप वन इज कौन सी स्टेट ड्रॉ करेंगे स्टेप वन में? इनिशियल स्टेट, गुड. ड्रॉ करके मुझे आंसर बताओ फटाफट, कितनी स्टेट्स आएंगे. मीनवाइल आई जस्ट मार्क द अटेंडेंस, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्या आया इसका आउटपुट. शिवम अग्रवाल, हरिकेश प्रताप सिंह, प्रेजेंट मैम। आदित्य, आदित्य राज गौतम, तन्मय, प्रेजेंट मैम। यशिका, प्रांजल, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। एकता, प्रीति, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ऐश्वर्या, चेतना, प्रेजेंट मैम। अभिराम, प्रेजेंट मैम। रजत, शिवम सिंह, प्रेजेंट मैम। यश जैन, प्रेजेंट मैम। कौस्तुभ, कौस्तुभ, यश शर्मा, प्रेजेंट मैम। यश शर्मा, आदित्य पोखरियाल, रिया जैन, प्रेजेंट मैम। ऋत्विक, प्रेजेंट मैम। अथर्व सिंह चौधरी, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। सौम्या, महिमान जैन, प्रेजेंट मैम। ऋषभ, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, गौरांगी, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। गौरांगी, प्रेजेंट। ऋषिता, प्रेजेंट मैम। अविरल, प्रेजेंट मैम। अंजनेया,
Present ma'am. Advika. Present ma'am. Naina. Present ma'am. Prashant. Present ma'am. Khushi. Present ma'am. Harshvardhan. Present ma'am. Anishka. Present ma'am. Vasu. Present ma'am. Harshit. Present ma'am. Sanya. Present ma'am. Apurva Jain. Present ma'am. Pat. Present ma'am. Swati. Present ma'am. Aditya Pahuja. Present ma'am. Ashkar. Present ma'am. Bhav Goel. Present ma'am. Ayush Negi. Present ma'am. Yash Bhandari. Present ma'am. Anand Raj. Present ma'am. Chaurya Sharma. Present ma'am. Kartik. Present ma'am. Vanshika. Present ma'am. Aman Rana. Present ma'am. Vaibhav Jha. Present ma'am. Ansh Tripathi. Present ma'am. Sartha Katyar. Present ma'am. Ayush Sharma. Present ma'am. Panika Goel. Present ma'am. Shriya Garg. Present ma'am. Yuvraj Chaudhary. Present ma'am. Karan Singh. Prerit. Present ma'am. Present ma'am. Tanisha. I'm Prerit. Present ma'am. Okay. Shivam Negi. Present ma'am. Saket. Present ma'am. Advit. Present ma'am. Amol. Present ma'am. Vidhi. Present ma'am. Lakshita. Aman Garg. Aman Kakkar. Vanshika Sharma. Present ma'am. Tanya Chaudhary. Ojas. Present ma'am. Ayush Singh Chauhan. Present ma'am. Riya Garg. Present ma'am. Surya Pratap Singh. Present ma'am. Sparsh. Present ma'am. Suyash. Shulin. Present ma'am. Samridhi. Present ma'am. Rishabh. Suyash is present or absent? Rishabh Srivastav. Udit Tripathi. Present ma'am. Rafi Khan. Present ma'am. Ayush Sharma. Present ma'am. Naman Jain. Janvi. Present ma'am. Harshvardhan. Present ma'am. Excuse me ma'am. Rajat B12 present. Ma'am, Soumya B12 present. Soumya and Rajat. ठीक है अब मान हो गया वो वाला क्वेश्चन मैम आंसर देते हैं उसके बाद पता चले आंसर आप बताओ कि आपने नहीं आया मतलब क्लियर नहीं है आपका सर पता नहीं अच्छा ऑनलाइन तो है चलो मैं बताती हूँ Ma'am, Sanya is present. She has written in the chat box. Her mic is not working. ठीक है, I've marked. ये है question. ठीक है. Ma'am, हमारा ना भी quiz भी है DBW का 12:55 से लेके 1:20 तक. ठीक है, तो जिनका quiz है, सबका quiz है. B12 का है sir. तो यू ऑल कैन गो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम पे बताती हूँ ठीक है मैम लिंक दे दो ना जहाँ पे क्वेश्चन था javapoint.com फर्स्ट क्वेश्चन मैम इन्होंने ये टेबल बना के करा है ऐसे हाँ तो टेबल बना के कर लो वन एंड द सेम थिंग वही शून्य है उसमें भी टेबल तो आप बना ही लोगे स्टेट्स लिखो